ओके गुड मॉर्निंग हमरो मास प्रोडक्शन जानती जानि छ त ना सेटा भी भूल गेली मास प्रोडक्शन नो गोटे चार्ट मास के मास प्रोडक्शन माने कोन है बहुत मात्रा रे तमे किछ प्रोडक्ट ताकु सब बेले तमे स्केल रे कि भंजो रे नै कि मापो करबे त सेति पे गोटे गोटे इंस्ट्रूमेंट बने दिया जाय कोन बने दिया जाय इंस्ट्रूमेंट बने दिया जाय से इंस्ट्रूमेंट सहाय्य रे तमे माप करियो तो से इंस्ट्रूमेंट उडा को कोन पाउती गेज जेंति गोटे बाडी रे अछि धर तमे दातो जे पडतोन दातो रे कोन करतोन देखि तो ना चार फुटिया बाडी भांगी तो मोर धर चार फुटे चार बाय चार रे मोर दातो ना पडिबा को छि डीप चार रे को छोगडे चार चार रे से कोन करो चार रो गोटे बाडी रे भांग दबो सेटा खाली एमटी एमटी माप कर दो लो एटा भी वन टाइप को लोकल गे हला से तर निजे को नेला जना किंतु ए गेज कोले तमरो बीआईएस सिस्टम रे स्टैंडर्डाइज करा जाय कि ना जो जिंसु टा को तुमको दिया जाव इन फैक्ट्री फैक्ट्री तो तुम सीधा बाडी माप कर बे जोन ना हम यदि मैं तुमको गोटे गोटे वर्क पीस दिया है हला जो गोडा ही चेकिंग पीस दिया है को जा साजर तुम्हें चेकिंग कर के ना यूज कर तो गेस कर माना इट इज ए चेकिंग डिवाइस हला इडा कोना ना चेकिंग डिवाइस हला गेस रो कोना ना अटेंड टू सेगमेंट ऑफ गेस इट इज ए चेकिंग डिवाइस यूज इन कोडी यूज इन कुड़ी यूज होती मास प्रोडक्शन हां मास प्रोडक्शन ने चेकिंग डिवाइस का मास प्रोडक्शन और इंटरचेंजेबिलिटी हला और इंटर चेंजेबिलिटी अरे बुढ़ा को हम पढ़ लेंगे कि पता है कि नहीं पढ़ते हैं ना बुढ़ा को पढ़ लेंगे तो अरे वो ओके तो गैर डेफिनेशन पढ़ा ना इट इज अ चेकिंग डिवाइस बाय इंस्ट्रूमेंट है ना डिवाइस भी कोई करो मेजरिंग कर बोली सेटी का चेकिंग कर हला ताव के किदी माने यूनिट लिखा जाय ना हला यू माने सेटा किदी माने तुमरो माप करू नै चेकिंग कर से मापरा ठीक अछि बे तेन करे गे दिने चेकिंग डिवाइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओके क्लियर हो तो विभिन्न टाइप रो सब गे रे गोटे गोटे गेट आम देखी दे फास्ट देख पूरा फास्ट रे तुम आसवा कदा फास्ट है ब्लॉक गेट है दूटा गेट मोस्टली तुम यूट्यूब है ब्लॉक गेट स्नैप गेट ब्लॉक गेज तब लगो स्नैप गेज ओके तब रे हार्ड है देखो रिंग गेज ऐसे लो ऐसे देखो तब रे देखो
ଦିନିଆ ଉପରେ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ କେ ହଁ ବଲେ ରେଡିଓ ସେ ଦୂର ନଥେ ଫିଲ୍ଡ କେ ଦୂର ନଥେ କଥା ହେଲେ କଣ କଥା ନମ୍ବର 5 ଫିଲର କେ ଏଫ ଆଇ ଏଲ ଏଲ ଇ ଆର ଫିଲର କେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରୁ କେ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ନା ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ହେଲା ସ୍କ୍ରୁ ପିଚ୍ ଗେଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ବନେଇଥିଲ କଣ ସେଟା କୁହ ସେଣ୍ଟର କେ ଦେଖିଲ ତ ସେଣ୍ଟର କେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗେଜ୍ ବା ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗେଜ୍ ଟା କୁହନ୍ତି ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଗେଜ୍ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ୱେୟାର ଗେଜ୍ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ କାଲିବର ଗେଜ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ କାଲିବର ଗେଜ୍ ଏଗାର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରୁ ଥ୍ରେଡ୍ କାଲିବର ଗେଜ୍
এবং এনভিল লগাই দিন আর রুগো রুগো এনভিল হ্যাঁ এটা ডিফিউজ করো এটা তোমরো রুগোর এনভিল লাগি তো টেবি কল কে with the roller and এইটা আমি যেটা মানে নেক্সট ওয়ার্ক বলতাম না তো এটা আমি টু কাটা করে তুমি করে পেরিবো প্লেন আর রোলার ওকে তাহলে লিখি দেখাও বুকরে ধরে সেপারেট দিছি ओके तो एतकी केतरा केतला 12 टा गेज था 12 टा गेज था 12 टा गेज रो पुनी सब अधिकार ओके देखि त नमस्ते देखि त लतो तो फास्ट रे कोन होला लेबे देबी लेक्चर लतो लेक्चर न लेक्चर न এইটা বড় পিসটা তো হলা সিলিন্ডারই গালি মানে বার বার যেটা তো তো সে বার উড়াবো নেকিটা বনাই যা আমরা তো বার সুবছি হলা তাকু নেকিটা বনা যাই হলা তো এটি কোন হচ্ছে লেখাই তো ধরো 50 প্লাস 0.5 মাইনাস 0.2 ओके ठीक है अगर नेक्स्ट जाय के बारे में 50 हायर डेविएशन के बारे में 50.5 तापरे अपडे होला 49.9 ओके तो एड देखो गोटे ফটো টিকে ছোট দেখা হল কি ওটে ফটো টিকে বড় দেখা যে ছোট মাপটা এই বড় সাইজ ওটে লেখা নেই হলা অন যে ছোট মাপটা লোগো লিমিটটা ওটে টাইপ কো বড় এই বারে লেখা এটা লাগে 49.9 এই ওদিন তারপরে এটি কেটে লেখা দিব 50 ओके ठीक है एफोटे लिखा है कि वो गो सामने पर कौन लिखा है कि वो गो एफोटे लिखा है कि वो नो एक ही बुझी पालो ना हाला कैंडिडेट आप मास्टर होते हैं कि वो बुझी पालो ना हाँ इतना डा कौन आओ नो मोन जाने कुछ होगा हाला
सेम तो बड़ मापटा कोठी लगाइ दिबो जोड़ देबो तो बेसी बड़ी सानो टाइप रो दिबो ओके रिंगटा जोड़ी छोटो आ रिंगटा जोड़ी बड़ दिबो हला जेडी लगाइ दिबो तमरो गो ओके तो गो आउ नो गो कौन तो एटा थाक जानाटा कौन से यूज करा सिलिंड्रिकली पिस्टन सॉलिड सिलिंड्रिकली पिस्टन ताले कौन पे एटा यूज होतो कौन पे यूज होतो सॉलिड सिलिंड्रिकली पिस्टन कौन पे यूज होतो ताले को कौन मापियो छी दुटा माप हमरो छुटे होल्ड ओ पे साफ तो ये कौन माप करबे होल्ड माप करबो न साफ और भी साफ किमती वाल का सॉलिड सिलिंड्रिकली पीस होगा तो कौन आपको बोलो और माने इंटरनल टेंशन ओके ताकि ये कौन आपको बोलो मेजरिंग मेजरिंग इंटरनल डायमेंशन तो इंटरनल डायमेंशन माप करिया पई हम कोन यूज करथनी कोन यूज करथो लॉग गेज ओके तो लॉग गेज रो यूज कोन मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशन और मेजरिंग द ओको हला इंटरनल डायमेंशन और बेले बेले के होल मतलब दे होल साइज होल साइज को माप करिया पई बा इंटरनल डायमेंशन को माप करिया पई हम कोन यूज करथनी लॉग गेज एडी गोटे चीज छोटे गो आउ नो को देखाय लोअर लिमिट रे देखाय कि गो हायर लिमिट रे देखाय कि नो ओके तो गो माने कोन कि एंटर करबे हला ओल्टा जदी तुमरो एटा यार हो कि मापरा जति किबो ओल साइड जदी तुमरो माने 50 रहला एटा तुमरो 49.98 ताले इतिके एंटर कर दिबो कर परबो कि नै हला तो एथि तुमरो जदी 50.02 कि जदी ओल्डर हो कि एटा तुमरो मापला आके एंटर करबो कि एंटर करबो ना हला बुझबो त तो कोन कने एटा दाबो बडो ओके तो एथि साइड रे तुमरो जॉब का मैक्सिमम रहिबे जदी एही इनसोटा भी एंटर करि पारुनी हला ताले तुमरो सेटी जॉब का माने एटा तुमरो एंटर करबो ना जदी एही चले एंटर करि जाउ छी ताले कोन हो ताले तुमरो जॉब का सेटी कोन हो भूल रहल कोन बैंक से ऑलरेडी तुमरो अधिक होइ छै जदी ओल्ड तुमरा पूर्वर का 546 जे इति केडा एंटर कर दियो एटा तो एंटर करबो ता एटा के एंटर कर दियो एंटर करबो माने तुमरो जॉब का सेटी भूल अछि हला तुम स्केच साइज रे पूरा माप कर पेलियो कि होल्ड तार रहला होल्ड तुमरो केते एंटर करियो कोन करियो तुमरो जो स्केल टा से भीतर तुम एंटर करले जान पेलियो कि जान पेलियो नि किंतु एटा कोन होय 12 काले तुमरो पूरा इक्वल रे बना जाय जेतु चेक लिस्ट तुम एंटर तो एटा तुमे डायरेक्ट एंटर करिके ना जान पेलियो जे तुमरो होल्ड टा गुडी फुल होजी गुडी ठीक रो हला तो एटा कोन नंबर क्लॉक गेट यूज होची मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशन हला बा मेजरिंग द होल साइज तापे यार ओटा गो आउ नो गो बुझि पडत त नो ओटा हला लोअर लिमिट पई आ हायर लिमिट पई हला कोटा नो गो ओटा ओटा हला लोअर लिमिट आ हायर लिमिट पई हला नो गो ओके एक्सामे कोन यूज करबो ए कोन माप कर देबो गो आउ इंटरनल डायमेंशन ओके एटा हला प्लेन टाइप रो ब्लॉक गेज जदि सेतिर होल्ड थ्रेड अछि सपोज होल्ड रे थ्रेड अछि ताले कोन करियो ए थ्रेड थ्रेड बनि लो हला एटा कि तमे थ्रेड बनि परबो हला एटा को भी थ्रेड कर दलो
ସେଥିରେ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଟ୍ୟାପର୍ ଲକ୍ ଗେଜ୍। ଓକେ ସମଝ ମେ ଆଜ୍ଞା। ତ ତମର ଟ୍ୟାପ ଯୋଉ କଣ କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍। ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍ରେ ତିନିଟା ତମେ ଜାଣିବ ହେଲା। ଓକେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଏହାର ଗୋଟେ ରହେ, ଏଟା ସବୁ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ସେମିତି ଲେଖିବ। ଏଟା ହେଲା ଟ୍ୟାପର ପ୍ଲଗ୍ ଗେଜ୍। ଟ୍ୟାପର ପ୍ଲଗ୍ ଏଟା ୟୁଜ୍ ହେଲା ଟ୍ୟାପିଂ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ୟାପର ହେଲା। ବୁଝି ହେଲା ତ, ଲେଖୁଛ ତ ନା? ମୁଁ ଯେମିତି କାଟୁଛି ତମେ ସେମିତି କାଟି କାଟିକା ଦେଖୁଛ, କାଟି କାଟି ଲେଖୁଛୁ କି ଅଜିତ? ନହେଲେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବନି ସେତ ହେଲା। ଖାଲି ଏଠି ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କାହା ସହିତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କପି ଆଉଛି ଗୋଟେ। ଓକେ ହେଲେ ତମେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେଉଁଟା ମୋତେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ ଗେଜ୍ରେ କ'ଣ ରହେ, ଡବଲ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ ରହେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଡେଡ୍। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଗୁଡା ହେଲା ସବୁ ଡବଲ ଏଣ୍ଡେଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଡବଲ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିବ ମେଟାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ରେ ବି କରିବ। ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍। ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଜବ୍। ଓକେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ରହିବ ନୋ ହେଲା, ତାପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ରହିବ
तो ऐसा कौन सा एमसीओ जी लगा
0 ରହିବ ନା 48.98 ଏଇଟା ଅଧିକ ରହିବ କୋଟା ଅଧିକ 48.98 ଏଇଟା ଆସିଲା ठीक है जी ओके थैंक यू।